ऑन उठ जाओ बेटा, तीसरी बार आई उठाने के लिए, उठो शाबाश। बस 2 मिनट और अम्मी। ऑन देर हो जाएगी, दफ्तर जाना है, मैं नाश्ता बना रही हूँ, उठो। ओके उठो उठो उठो। हाय हाय दादी कुर्बान, मां वारी ते सदके अपने पुत्र तो, बेड़ा गर्क जाए इन दफ्तर वालों का। सती सवेरी उठा के मेरे पुत्र को अपने पास बुला लेते हैं, नाग लड़े फटकन जोगियों को। हाँ क्या मेरा, रात को नींद भी इतनी देर से आती है दादी। पुत्र वो जो तू कंप्यूटर के आगे यूं करके अखे लगा के बैठ जाता है ना, इसलिए। हाँ तो ये वालों की चुनिया क्या बनाई है, ठहर जाना तेरी कंगी कर। इसीलिए मैं आपके साथ नहीं बैठता, नए नए तजर्बे शुरू कर देती है मेरे ऊपर। उसना नाश्ता ले आ, नवा खू खतर लग पई है। हाथ पैर फुला देती है, दे आवाज पर आवाज, दे आवाज पर आवाज। उन्हीं 25 बरे तो तेरे हाथ पैर खुले हुए ने, जिस दिन का तुझे ब्याह के लाई हूँ ना, एक दिन तेरे हो चुकाने नहीं आए, तो क्या मैं तुझे अब आवाज भी ना दूँ? आवाज दिया कीजिए, बस अगर शौक दिया कीजिए, 1000 दफा दिया कीजिए, लेकिन डुगी ना पिटवाया कीजिए। ये क्या क्या की पुट्टा कुट्टी की आखी की आखी मैंने? खुदा का नाम ले अम्मी, जब आपको पता है कि आपकी बा मुहावरा उर्दू दादी के सर के ऊपर से गुजर जाती है तो क्यों बोलती हैं ऐसे? उनकी ठेठ पंजाबी भी तो मेरे सर पे से गनाटे की तरह से गुजर जाती है, ये बात आती है क्या? लगता है माँ ने अंडे में लून ज्यादा डाल दिया। नहीं जा छंड, और बना के ले आने। पीले 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 पीले। नहीं जा, अंडे अंडा और बना के ले आ। नहीं नहीं रहने दे, अब सब रहने दे, मेरी तो शक्ल है ही कौड़ी, मैं ऑफिस के लिए लेट रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दे। ठहरो 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 ठहरो, तुम्हारी दादी तो हथेली में सरसों जमाती है, मैं कम से कम तुम्हारा लंच बॉक्स कराती हूँ। लो जी, स्कूल और कॉलेज के तो दिन खत्म हो गए, लेकिन इस मनहूस लंच बॉक्स ने जाननी छोड़ी। बहुत ही बुरा ट्रैफिक जैम है, घर जाकर खाना ही पकाना है, अम्मा तो ताने दे देकर मुझे मार डालेंगी। तो आपको किसने कहा है कि आप ये ड्यूटियां दे हैं? मुझे खुद क्यों नहीं जाने देती आप ऑफिस? आपको पता है वहां सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं वो देखो तुम्हारी मम्मी आ गई है तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने। ट्रैफिक कहाँ देखा है, इसमें ड्राइविंग करने तुम्हें? कब खुलेगा? मैं यहीं से निकल रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा यू टर्न लेके वापस आने में, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं रोड क्रॉस कर सकते। खुदा का वास्ता है अम्मी। अच्छा अच्छा चंदा चंदा, ये तो ले जाओ ये ले जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ नासिर हो भाई। हाँ मैं तो महाज पे जा रहा हूँ ना जंग लड़ने। खैर से देख कर देख कर, ऑन बस आ रही है, ऑन रुको। चला गया, चला गया मुझसे मिले बगैर, चला गया ना तो निको, ये जरूरी है कि वो तेरे गोडे गिट्टों को हाथ लगाए पहले, फिर तेरे चढ़ावे चढ़ावे, तो फिर मार जाए। किस बात पे गुस्सा है मुझ पे? तेरे पैदा होने का। इकलौती बेटी हूँ मगर हराम के कभी प्यार से बात की हो, असल में मेरे पैदा होने का नहीं, मेरे तलाक लेने का गुस्सा है। तो फिटे मुँह मरण जोगिए, तलाक लेके कौन से सुरखाब के पर लगा लिए तूने, जो मैं तेरी तस्वीरों के ऊपर फूलों के हार चढ़ाऊं? नहीं नहीं, मेरी तस्वीर पे नहीं, अपनी लाडली बहुओं की तस्वीरों पे फूलों के हार चढ़ाए, बेटी तो नजर ही नहीं आती। खुदारा आप दोनों अपनी बाहमी चपकलश में मुझे ना घसीटा कीजिए, मैं वैसे भी इस रोज रोज की चिक चिक से अलग रहना पसंद करती हूँ। हाँ हाँ आपको तो अलग रहना ही पसंद है, तभी तो 20 सालों से अलग रह रही है। बहुत शुक्रिया, अब ये कसूर भी मेरे ही सर थोप दीजिए। जानी उजड़ गई भी है, डर रब को ना उस गरीबने की हाय ले। अम्मी मुझे बड़ी वाली साइकिल लेकर दे, ये बहुत बेबी वाली है, अब मैं बाहर जाकर सिलाई करूंगी। बिल्कुल भी नहीं, बड़ी वाली साइकिल से गिरकर चोट लग जाती है, और बाहर बिल्कुल नहीं जाना, यहीं पर साइकिल चलानी है। मैंने कहा था मुझे खुद, मेरे मम्मी को पिस्तौल ले दी है ना, वो निशानाबाजी कर रहा है, तू देख देख के खुश हो? नहीं दादी मुझे खुद चलानी है। मैं आखिर चुप कर जा, बिल्कुल नहीं, सच लग जाएगी, सोची नहीं ना कभी। या अल्लाह कब निकलूंगा मैं एसआईसीयू वार्ड से? हाँ हाँ आप तो अलग रहना ही पसंद कर,
अभी तो 20 सालों से लग रही है। यार घर के खाने की ना बात ही और है, तो अपने घर जाके खाया करना। आ जाता है रोज रोज मेरे ऑफिस में लंच बॉक्स छीनने। बाप बेटा तू जॉब कर क्यों रहे? तेरे बच्चे खासे पैसे भेज रहे हैं बाहर से। मुझे भी कोई शौक नहीं है, घर में अम्मी दादी और फुफ्फो के नरगे में रहने से बेहतर है कि बंदा कहीं भाग ही जाए, बेशक वो ऑफिस जैसी बोल जाएगा क्यों ना हो। वैसे भागने का तो मेरा भी दिल करता है, सब मिलके भागते हैं ताकि हुदूद ऑर्डिनेंस में गिरफ्तार होकर कोड़े पड़े मुझे। चवल अच्छा ये शोर, तू सुहेल की बहन की शादी में चल रहा है ना? मैं नहीं जा रहा, बहुत देर हो जाएगी यार, सुबह ऑफिस लेट पहुंचूंगा बॉस से कुत्ते वाली होगी। यार ऑफिस 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 बस कर दे यार, हर वक्त ऑफिस की टेंशन। जल्दी खत्म कर खाना, लेट हो रहा हूँ मैं। हाँ खा रहा हूँ। अरे सच्ची मुझे और क्या दादी, मुझसे तो देखा ही नहीं गया, इतनी बेइज्जती कर रहे थे बेचारे ऑन की, सिर्फ एक घंटे ही तो लेट गया था वो। ऐसी की तैसी, मेरे पुत्र ऑन की बेइज्जती करने वालों की, वो चाहे 6 घंटे दफ्तर लेट जाए, बड़े आए उसको पूछने वाले, बेगैरत साहूकार। बेचारा ऑन तो रोने वाला हो रहा था दादी। हैं? मेरे पोतरे ओन को रुला दिया उन्होंने, लख दिया लांता है उनके ऊपर। मैं जाती हूँ ना उनके खुन्ने सेक के आती हूँ बेगैरतों के, उनकी जुरत हुई है ना इस तरह। बच्चू अब मेरे साथ शादी पे चल, तेरा ऑफिस लेट पहुँचने वाला मसला तो हल हुआ, अब ना होगा ऑफिस ना बजेगी बांसुरी, सिर्फ बजेगी शादी की ढोलक। सामने निकल के गाल कर मेरे नाल, बड़ा आया बॉस बना फिरता, शर्म नहीं आती, इसकी जुरत किस तरह हुई मेरे पोतरे को डांटने की, इसके प्यो कर आ गया। दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं? उल्टों के फर्ते चुप कर जाए। चुप कर जा तू, शर्म नहीं आती ना पुखिया नंगिया लोगों की डांट सुन के अपने प्यो दादे का, तू नाम डबो रहा है, खड़ी खड़ी सुनाई सी ना इसको। दादी मेरी जॉब खतरे में चली जाएगी। खतरे में जाए तेरा बॉस, लानत भेज इस नौकरी के ऊपर, क्या लोड पड़ी है 2-2 टके के कमी कमीनों की नौकरी करने की। और ये वाले लोग जो है ना, ये मेरे प्यो के घर में कोड़ों को खड़का करते थे और हमारे कुत्ते ने लाते थे, समझ आई तुझे? उठ चल, ऐले फड़वे तू अपनी है, चल आ मेरे ना, चल उठ उठ तू चल, हमें लोड नहीं है, चल चल आ चल आ। कभी मेरी बच्चियों की पसंद का खाना भी बना लिया करें, वही कद्दू और टींडे। तो तुम खुद बना लिया करो ना अपनी बच्चियों की पसंद का खाना, अम्मा ने अलग पोर्शन बना के दिया हुआ है ना, किचन है तुम्हारे पास। एक ही घर में 2-2 चूल्हे जलाना बच्चगुनी होती है भाभी। पिछले 7 महीनों में ये 4थी जॉब है जो आपकी वजह से गई है। ये वाली भी गई? जी हाँ, ये सब दादी जी की मेहरबानी है। चलो खस कम जहाँ पाक। हाँ हाँ आप तो बहुत खुश होंगी ना, रोज सुबह मुझे ऑफिस लाने जाने की ड्यूटी से आपकी जान जो छुट्टी। ठंड पुत्र ठंड, ये नौकरी तो लैक की नहीं कि तू करता है इसको, चल पानी लेके आ मेरे वास्ते। उठ। मैं तो कहती हूँ नौकरियाँ जो है ना हमारे खानदान के ही लायक नहीं है, तू तो शहजादा है, शहजादा राज करने के लिए पैदा हुआ है, राज करने के लिए। अपने ही घर में मेरी एक नहीं चलती, राज के मैं खाक करूंगा, पकड़े। कर दिया ना नाराज उसको, अब पता नहीं कब तक भूखा प्यासा अंदर बैठा रहेगा। आप बिना अम्मा हद करती है, रोज एक नया टंटा आएगा ना अभी मंजर, उसको कट के ले आएगा कमरे से बाहर। और तू बहुत ही सकीना बनिया कर, मेनू पता है कि ओदे वास्ते की सही है ते की गलत है, जा जा के पानी लिया, ट्रे लगी हुई है मेनू अगे ओनू की है, जा। इकलौता होना भी ना एक अजाब है वैसे। और बेटा 12वां खिलाड़ी होना ना ज्यादा बड़ी जलालत है। हैं? तुम तो 8 बहन भाई हो, फिर रातों रात 12 कैसे हो गए? उन 4 के जोड़ीदार भी तो गिने जाएंगे, मुझे तो लगता है मेरी शादी का नंबर आते आते 17वां होगा। दादी का इकलौता पोता, अम्मी का इकलौता बेटा, नाना जान का इकलौता नवासा, फुप्पो और चाचा चाची का इकलौता भतीजा, फुप्पो की सिर्फ बेटियां, बेटी की कमी मुझसे पूरी करती हैं, और चाचा चाची उनकी तो जैसा औलाद ही नहीं है। मुझे तो लगता है मुझे अपने दर्जन पीस काट के समय बांध देने चाहिए। ओए शर्म कर, कदर कर उनकी, मोहब्बत करते हैं तुझे सारे। अल्लाह रहम करे ऐसी मोहब्बतों से। दरअसल ये घर घर नहीं है, आईसीयू का वार्ड है, जहाँ वाइड पेशेंट मैं हूँ। मैं अगर दोपहर का खाना ना खाऊँ ना, तो इसकी वजूहत पे तबसरा करने के लिए दादी मुल्तान फोन कर देती हैं और अम्मी कराची,
मेरा अगर मूड ऑफ हो ना तो पोपो अपनी बेटियों को डांटना शुरू कर देती हैं, और खुदा ना खास्ता अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो पूरा घर मेरे सर पर सवार होकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। इसका तो साफ मतलब है कि फसाद की जड़ तू है। बकवास ना कर। अरे मुझे ये तो बता, शादी पे क्या पहनूं? कुछ भी पहन ले, तेरा क्या है? लाइटें मारती हो तुम इन कपड़ों में, जाओ जाके बदल के आओ, तभी तो तुम्हें नजर लग जाती है। मैं नहीं बदलूंगा ये कपड़े, मेरी दादी ने इमाम साहब ने ऐसे बांध दिया जैसे मैं शादी पे नहीं जहाद पे जा रहा हूँ। इसी की कसर रह गई थी। अब आप ऐसा करें मेरे सर पे अंडा भी फोड़ दे और माथे पे लीमू लटका देना ताकि मुझे नजर ना लगे। जाने दे मुझे खुदा के वास्ते, मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज। सीन लग रहा है यहाँ तो, वो वाली अच्छी है, इधर से पीछे से लेडीज आ रही हैं। तुम लोग यहाँ बैठी भी क्या कर रही हो? मैंने तुम लोगों को कहा था जाके गाने लगवाओ यार, जारा को बुलाना, से डांस करने। जारा डांस नहीं करेगी। उफ अल्लाह, ऐसी की तैसी उसकी डांस नहीं करेगी, वादा किया भाई। जाओ तुम जाओ म्यूजिक लगवाओ, जो सीडी दिया ना वही लगवाना, जाओ। कहाँ रहेगी इसकी तैसी, इसकी डांस नहीं करेगी। मैं मुलाजिम नहीं हूँ। अच्छा, मुलाजिम होने पे एतराज नहीं है लेकिन ऐरा गैरा होने पे एतराज है। यार इसमें इतना गुस्से में आने वाली क्या बात है? जरा सी गलत फहमी हुई है। जरा सी गलत फहमी? मुझे एक बात बता, मैं शक्ल से मुलाजिम लगता हूँ, नौकर लगता हूँ तुझे? सही ना, आदत खराब हो गई है, सर पे चढ़ने की आदत है तुझे, और वैसे भी ऊपर ऊपर से तू बड़ा कहता है कि तुझे औकात में रहना पसंद है।
और जब तुझे कोई औकात के मुताबिक ट्रीट करता है तो तुझे बड़ी आग लगती है। मैं अम्मी को फोन करने लगा, मुझे आके पिक कर ले। यानी नाराज होकर जाने के लिए भी तुझे अम्मी चाहिए साथ में। रुक जाओ, मेरे साथ बाइक पे चल, वैसे भी डांस यहाँ चल रहे हैं, अच्छी है, बहुत अच्छी है। रुक जाओ। अच्छा ठीक है, अब अगर तू कह रहा है तो इंसिस्ट कर रहा तो मैं रुक ही जाता हूँ। क्या हुआ? चल दारा, यार वैसे थोड़ी ज्यादती नहीं कर दी तुमने उसके साथ? बेचारे की शक्ल देखने वाली थी, बड़ा तरस आया मुझे उस पर। यार उस वक्त क्या, उसकी शक्ल तो कभी भी देखने के काबिल नहीं है। वैसे आपस की बात है, इतना बुरा भी नहीं था। हाँ सही कह रही हूँ, अपने उस लांत की शक्ल वाले दोस्त से तो बेहतर था। वैसे वो क्या चीज था, कैसे घूर घूर के देख रहा था? वैसे मुझे लगता है लाइने मार रहा था उस वक्त। ये शर्माने की नहीं, शर्मिंदा होने वाली बात है, वो शख्स तुम्हें लाइने मार रहा था। हाय 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 हाय, बढ़िया है शरीफजादी, जैसे कि तुमने दूसरे को किसी एंड पे बख्शा, पड़ी गई थी उसको। यार यही तो मसला है, वो इतना ज्यादा बेचारा था, मैंने उसको इतने लोगों के सामने इतना कुछ कहा और वो एक लफ्ज नहीं मुझे बोला। बड़े मम्मी डैडी था। अच्छा खैर दफा करो, हम इसके बारे में क्यों बात करें, ध्यान से रुको, आहिस्ते से जाने दो मुझे। जरूरत से ज्यादा ही तेज है, लड़कियों को इतना मुंहफट नहीं होना चाहिए। यार मुझे तो देखने में छुई मुई सी लगी थी। इसको देखकर कौन ये कह सकता है कितनी मासूम चंचल लड़की की पैकेट में पटाखा छुपा हुआ है। वैसे है तो वो बिल्कुल ऐसी जैसे लड़कियों को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए लड़की को? यार मिजाज होना चाहिए लड़कियों वाला, ड्रेसिंग होनी चाहिए, बालशाल होनी चाहिए, मतलब लड़की लड़की तो लगे ना। जैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जो अपने आप को फालतू में तोपची समझ जाने की कोशिश करती हैं। ये कैमरा कहां से मारा है? सुहेल का। मैंने कहा बच्चियों की तस्वीर ले लो। बच्चों को छोड़, मेरी लेना ढासू सी तस्वीर। सीधो चीज। हाय मेरा पुत्र कल्ला फटफटी पे आ रहा होगा। हाय मेरा पुत्र कल्ला फटफटी पे आ रहा होगा। अम्मा अकेला नहीं है, मंजर उसके साथ है। नहीं मंजर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पैंदा, जा तू ले के आ उसने उसको। नहीं नहीं ये क्यों जाएंगी, इनको रात को जाना ना पड़े, इसीलिए तो अकेले आने की इजाजत दे दी है। मैंने कोई इजाजत नहीं ना उसने मुझसे मांगी है। दो घड़ी के लिए फोन करके कह दिया था कि मत निकले मुझे लेने के लिए, मैं निकल गया हूँ। मुझे क्या पता वो कहाँ है, रास्ते में किधर है। एक घंटा हो गया अभी तक आया नहीं घर। हाय मेरी बच्चियाँ मुरझा जाती हैं अगर ऑन को ना देखे तो। सोफी सोफी, मैंने तुम्हें दुआ मांगने के लिए कहा था या सो निकली कहा था? उठो दुआ मांगो। अल्लाह मियां ओन भैया को जल्दी ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा आ गया है मेरे घर आ गया। देखा मेरा पुत्र? देखा मां मेरी सोफी की दुआ में कितना असर, इधर सोफी ने दुआ मांगी और यहां से यहां आ गया। हाँ हो तू पुत्र इस तरह कर, बार चबूतरा बना के ना अपने सूफी पुत्र को उसके ऊपर बैठा ले और चंडिया लगवा के सारी दुनिया में मशहूर करा दे कि मनता मुरादा मेरी सूफी बीबी को लो मंगो। एक तो तुझे चढ़ावे मिलेंगे, नजराने मिलेंगे, तो तेरा तो काम हो गया। अच्छा ही नजर नहीं आती ना, ना मेरी ना मेरी बच्चों की, दुआएं मांग मांग के उसका गला सूख गया और वो चुन्नी वो दरवाजे पे खड़े होके सूख गई। एक सेकंड मेरी बात तो सुने, इतनी बड़ी क्या आफत आ गई थी भाई कि आपने इन दोनों की ये ड्यूटी लगा दी? आफत ये आ गई थी कि तुम बगैर इजाजत के मंजर के साथ उस वाहिया सवारी पर क्यों बैठे? तुम्हें शर्म नहीं आई उस मोटरसाइकिल पे बैठते हुए? मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं कपड़े पहन के बैठा था। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अम्मी हर रोज हजारों सैकड़ों लोग मोटरसाइकिल पे सवारी करते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि उन सबका एक्सीडेंट होगा। हाँ एक्सीडेंट, हाँ 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 हले मुकर तू कर लफ्ज मुझे कर मैं रूस तू 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 क्या मुसीबत है? शुक्र है तेरा, नाराज कर दिया ना आपने, खुश हो गई आप? चलो अम्मा लाड प्यार नजर नहीं आता किसी को, वो नाराज होके चला गया ना तो फौरन इल्जाम आ गया और गुनगाए अपनी बहू के, एक बेटी है जो कांटे की तरह चुपती है। आ जाओ बेटे। यानी जाके शबाना को फोन कर, उसका पता नहीं क्या हाल होना है। उसे बताना इत्तेदार दे रही है। चची है वो ऑन की, बेटे की तरह मानती है उसे। तुम्हें तो सिर्फ भाभी में कीड़े निकालने आते हैं। चलो सोफी, चलो सुनो जी, रब का शुक्र है कि ऑन पुत्र खैर खरियत से घर पहुंच गया।
शबाना तू तो जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाती है, माशाल्लाह जवान बच्चा है। शाला जवानियां मारे किसी की नजर ना लगे। नदास और मुझे सोते हुए को अब किसकी नजर लगनी है भला? मैं अपने ओन पुत्र की बात कर रही हूँ, अपने शहजादे की। वैसे बड़ा दिल करता है कि लौट जाके एक बार इसकी शक्ल देख के आऊं। ले जाऊंगा तुझे इसी हफ्ते तेरे पुत्र से मिलाने, मैनू सौन दे हुण। लानत है ऐसी मोहब्बत पे, इससे तो अच्छा था कि मैं इदी होम में पला होता, किसी की जूती को भी परवाह ना होती कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। शहना, शहना उठो, सुबह के 8 बज रहे हैं, मुंह तो धो लेना था अपना, डैडी आ गए तो राम नाजिल हो जाएगा। जाहिर है तुम्हारे रेडी है, तुमने कभी किसी का लिहाज किया जो वो करेंगे? कितना लेट सोए थे यार, ज़ारा रात को क्या है? इससे तो कहती हूँ कि मुझे इस तरह के फंक्शन जहर लगते हैं, इसमें एनर्जी और टाइम दोनों ही जाया हो। वैसे मजा बड़ा आया, ऊपर से मैं शर्ट भी जीत गई थी, सबको लग रहा था ना तुम डांस करोगे ना तैयार होगी, और लग भी बड़ी अच्छी रही थी। हाँ भाई, मेरी दोस्त ने शर्ट लगाई थी, उसको हारने कैसे देती। लेकिन शहना अगर तुमने दोबारा ऐसे शर्ट लगाना जान से मार दूँ। अच्छा भाई, पता है मैं क्या सोच रही थी, अगर डैडी मुझे इस हालत में देख लेते वो तो बेहोश हो जाते यार। उठो। अच्छा मैं थोड़ी देर डैडी मुझे नाश्ता भी लग गया, उठो शेना, उठो जल्दी से, उठ के मुंह भी धो लो अपना। एक हल है मेरे पास, आखिरी हल। खुदकुशी? खुदकुशी समझ ले, लेकिन इसके लिए तुझे कब्र में नहीं जाना पड़ेगा। क्या मैं चिता जलवाएगा? शादी कर ले। है? शादी? उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, मेरे घर वाले मेरे लिए अपनी दीवानी खत्म कर देंगे क्या? नहीं, बल्कि वो दीवानी की तरह होने वाले बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी। और सुन, तू भी तकल्लुफ से काम मत लेना, एक बच्चा दादी की गोद में, एक बच्चा अम्मी की गोद में, और एक बच्चा खुदको की गोद में, और एक दो। क्या बकवास कर रहा है, अपने खानदान की रिवायतें अपने पास ही रख, ये 11 बच्चों वाली मुझ में मत थोप। तो फिर सजा ले एक अपने खानदान के फैशन के मुताबिक इकलौता पीस, कल को तेरा बच्चा भी तेरी तरह रो रहा होगा। नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ ये जुर्म नहीं होने दूंगा। तो फिर खा कसम कि तू भी 12 बच्चे पैदा करेगा। अच्छा खा ली, लेकिन लेकिन ये सब होगा कैसे? यार उन्हें एहसास दिला कि तू जवान हो गया, नॉर्मली तो ये बाहर वाले आके बताते हैं घर वालों को। हाँ तो तू ऐसा करना, तू बता दे उन्हें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, हलचल तो तब मचेगी जब मोहल्ले को ये आंटी आके तेरी अम्मी को ताने देंगी कि अपने बच्चे की जवानी को संभालो, हमारी बच्चियों को ताकता फिर रहा है, फिर पता चलेगा कि मुन्ने की जवानी फटने के करीब है। यानी अब मैं मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता फिरूं? यार तुमने इस मोहल्ले की लड़कियां देखी हैं, दिल पे कितना भारी पत्थर रखे है, काम करना होगा। अम्मी सुना है असल से सूद ज्यादा अजीज होता है। हटो, तुम्हें भी अपने आबा अजदाद की तरह हरामखोरी सोचने लगी है? क्या मतलब? सारा जमाना जानता है कि तुम्हारे परदादा और उनके भाई बंद सारे सूदखोर थे, दोजख का ईंधन जमा करते थे। वो तो अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा को ख्याल आ गया, अजाब इलाही से बचा लिया उन्होंने औलाद को अपना कारोबार शुरू करके। अब तुम चाहते हो कि उनकी रूह को तकलीफ पहुंचे? चारे जन्नत में भी परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे कि सारी जिंदगी इस कलंक को धोने में लगा दी, आज पोता वही काम करने चला है। अम्मी मैं उस वाले सूद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मुहावरे वाले सूद की बात कर रहा हूँ, वही सूद जो नानियों और दादियों को बहुत प्यारा होता है, यानी औलाद की औलाद। अब आप खुद ही देखें ना, मैं भी तो दादी और नाना का कितना लाडला हूं।
अब क्या हुआ? तुमने नाना का नाम लिया तो मुझे अब पता कर। चलो जिस तरफ ध्यान लगाना चाह रहा हूँ वहां तो लग नहीं रहा, इतनी कैसी अजीब अजीब बातें याद आ रही हैं। कौन पुत्र है, अपनी माँ को क्या मेरी मालिश करे आके? वो अपने अब्बा जान को याद फरमा रही हैं। हाँ बेचारी हो नहीं दादी, दरअसल वो अपने शादी के वक्त को याद करी थी। हाँ वैसे वो वेला बहुत ही औखा था। मैं गुड्डी सोनी सी ब्याह के तो ले आई, पर जब मैं उसको घर लेके आई ना तो ना मुझे उसकी गल की समझ आए ना उसको मेरी गल की समझ आए। बड़े महीने लगे मेरी पंजाबी को हौला होते और उसकी उर्दू को पतला होते। दादी आपका दिल नहीं करता कि वो वक्त फिर से आ जाए, इस घर में फिर दोबारा एक दुल्हन आ जाए, पाजेब छनकाती हुई, चूड़ियां खनखनाती हुई? हैं वे चुप कर जा, आवाज वाला जेवर औरत के लिए हराम होता है, गुनाह होता है। चलो खामोशी सही सही, मगर दुल्हन आए तो? चुप कर जा, ज्यादा ना बोल, तेरी माँ ने सुन लिया ना तो यही कहेगी कि अब फिर मेरे पे सौकन लेके आने की बातें कर रही है। चलो जी, अप्पू की शादी का ख्याल आ सकता है, बस एक मैं ही किसी को नजर नहीं आता। जहाँ मेरी होती है वहां पत्थर आते ही है। बेटी है वो मेरी, कोई बेरी का झाड़ झंकार नहीं। जो पत्थर फेंकेगा मैं उसके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंकवा दूंगा। मेरी तरफ से मिसाइल करवा दो, ड्रोन हमला करवा दो, इस जुर्म में कि उन्होंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा। कोई होता कौन है मेरी बेटी पे नजर रखने वाला? बेटियां अमानत होती हैं, इन्हें एक ना एक दिन दूसरे घर भेजना ही पड़ता है, चाहे दिल पे पत्थर रखना ही क्यों ना पड़े। जमशेद फैयाज ने अपने दिल पे कभी पत्थर नहीं रखा, मगर बेटी के मामले में रखना पड़ेगा। अगर ऐसे करोगे तो सारी जिंदगी बेटी को घर पे बिठाए रखो। दादाजी अगर मैं सारी जिंदगी घर बैठी भी रहती हूँ उसमें मसला क्या? एक तो पोती हूँ आपकी, आप मुझे क्यों निकालना चाहते? बेटा तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे बाप ने खराब कर दिया। और मेरे बाप का दिमाग किसने खराब किया? उसके बाप ने। अजीब है यार सारे के सारे, किसी को इस बात की परवाह ही नहीं कि मैं जवान हो गया हूँ। इस वक्त तो अम्मी की रातों की नींद और दादी की भूख प्यास सब कुछ उड़ जानी चाहिए, वो सब बेफिक्र होके बैठे हैं। ऐसे ही लापरवाह माँ बाप होते हैं जिनकी औलाद गलत कदम उठा के उनके बुढ़ापे को रुसवा करती है। बिल्कुल सही कह रहा है तू, ये तो मेरी शराफत है कि मैं उनके जरिए काम करवाना चाह रहा हूँ, वरना मैं कोर्ट मैरिज भी तो कर सकता हूँ। कर ले, मैं तेरे साथ। क्या वाकई? हाँ ऐसे कोर्ट मैरिज में तो सिर्फ दो दो गवाह चाहिए होते हैं हर साइड से, और हमारे तो इतने दोस्त हैं, दो मेरी साइड से हो जाएंगे और दो लड़की की साइड से। लड़की? अबे लड़की, कोर्ट मैरिज हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, लड़की भी तो चाहिए। यानी अब घर वालों को मनाने से पहले कदम लड़की को भी मनाना होगा। तो करना बंदोबस्त। तू कर ले बंदोबस्त, किसी ना किसी तरह से ना बस एक लड़की ले आ। मैं शक्ल से लड़की लाने वाला लगता हूँ तुझे? हाँ नहीं मेरा मतलब है तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगा बंदोबस्त। जो पहली लड़की मिली ना उसे शादी करवा लूंगा। अच्छा चल समोसे का। भाई देखो जैसी भी हूँ तुम्हारी दोस्त हूँ, गुजारा तो तुम्हें करना पड़ेगा। पता है मुझे, गलती से दोस्ती कर लिया, निभानी तो पड़ेगी। लेकिन जारा मैं उस बेचारे का सोचती हूँ जिसकी तुम्हारे से शादी होगी। भाई तुम्हारे सर पे मेरी शादी का भूत क्यों सवार है? डैडी को वैसे भी सिविलियन लोग पसंद नहीं, और तुम्हें आर्मी के, इस तरह तो हो चुकी तुम्हारी शादी। भाई देखो मुझे आर्मी के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सारी जिंदगी मेरी शादी नहीं होगी, मैं सुकून से इस घर में रहूंगी, कितना मजा आएगा ना। वाह लेकिन जारा जरा सोचो, कोई तो होगा कहीं तो होगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा होगा। नसीब में लिखा होगा या जिसका नसीब फूटा होगा? अम्मी 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 अम्मी
सॉफी चोर की मजा रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं वहां बैठा के आई थी ना, देखो उन भाई आने वाले होंगे जो वहां की नमाज पढ़ रही, बस तुम वहां जाके बैठ जाओ और निशाना लगाओ। लेकिन मैंने वो काम कर लिया है मेरी जान, लेकिन निशाना सही से नहीं पड़ा। मैं इसे नया तमाशा होता रहता है मेरे साथ। मुझे एक बात सीरियसली बताएं, मुझ पे तजर्बे करने के लिए पाला था मुझे है? की हो रहा मेरे पुत्र को? पूछे ना अपनी निगत फूफो से, पाकिस्तान की मास्टर शेफ ना हो तो। सोफी एक काम नहीं ढंग से कर सकती हो, अंडे का निशाना तक नहीं लगाना आया। नहीं तो मुझे बताएं, मुझे ताक ताक के अंडे मारने की जरूरत क्या थी? तो क्या थी है? निकत तुम तो जो भी करो कम है। ताने देने की जरूरत नहीं है भाभी, मैंने जो भी कुछ किया इसकी भलाई के लिए किया। ले पलाश, ये देख सामने पलाश जो तूने किया, कच्चा अंडा उसके ऊपर तोड़ा है। नजर उतारी थी ना, आज इतना प्यारा लग रहा था कुर्ते और शलवार में। मैंने सोफी से कहा कि जैसे ही ऑन आए ना दरवाजे पे, दहलीज के अंदर एक अंडा तोड़ देना ताकि बाहर की जो भी नजर है ना बाहर रह जाए, अंदर कोई आई नहीं, बस बच्ची है, नहीं लगा सही से निशाना। तौबा है निगत, इतनी हिंदुआना सोच है तुम्हारी, ये सरहद पार के ड्रामे मत देखा करो। अरे पुत्र जा के नहा के आ, कच्चे अंडे की उछाल मुझे यहाँ तक आ रही है। मुझसे नहीं नहाया जाता बार बार दादी। हाय मेरा बच्चा, मैं नहा देती हूँ। खुदा का वास्ता है अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो कितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए बच्चे ही रहोगे, चाहे खुद 10 बच्चों के बाप बन जाओ। 10 बच्चे? वैसे भाभी एक अंडा ना इस बात पे भी बनता है, इसके आने वाले बच्चों की नजर उतारने के। ऑन भैया के 10 बच्चे मैंने भी देखने हैं। अजय पिंड बसिया नहीं थे चोर चक्के घर लाए। अब दिखा मेरी जान, अभी तो ऑन भैया की शादी होगी, दुल्हन आएगी, फिर बच्चे होंगे वो भी 10। मैंने भी देखने। मेरी जान, वैसे वाकई हमें पहले ख्याल क्यों नहीं आया? अम्मा अब ऑन के दुल्हन लाने के दिन आ गए। पुत्र तेरे गले रोक यार, चल तैयार। या अल्लाह तेरा शुक्र है किसी का ध्यान तो गया मेरी शादी पे। डैडी अब कितने सालों से हमारे घर में हर फ्राइडे को यही बनता है, क्यों ना इस बार हम लोग। बेटा इसे रूटीन और डिसिप्लिन कहते हैं। जी नहीं, इसे तो बोरियत कहते हैं। कितना टाइम वेस्ट होता है उन औरतों का घरों में जो दिन में 2 बार ये पूछने और सोचने में लगा देती हैं कि आज क्या पकाया जाए। आफ्टर डिनर एक फॉर्म फिल कर लेना। भाभी मैं बता रही हूँ ऑन की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और मुझसे ज्यादा मेरी बच्चियों के कपड़े बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी, कराची से भी और हिंदुस्तान से भी। मेरे घर में दुश्मन मुल्क का कोई पुराना वाड़ नहीं सकता। क्या करती हो निगाह, गिरा दिया ना सारा गन डाल दिया। कुछ नहीं होता ना भाभी, वैसे भी आपकी बहू आने वाली है जो काम में आपका हाथ बटाएगी। मेरी ऊन की बॉडी की तरफ किसी ने इस नजर से भी देखा कि वो काम करेगी, वो तो शिकायती होगी। शिकायती को याद आया भाभी उसका जोड़ा कैसे बनना है? मेरा तो दिल चाहता है ऐसा जोड़ा हो ना कि वो मुगल शहजादी लगे। मैं तो सोच रही थी कलकत्ता से साड़ी मंगाऊंगी। हमारे पास पहले दिन बॉडी घगरा पाती है, दूसरे दिन वलीमा मेहंदी है, जेड़े मर्जी तुसी अपने चाप। अम्मा जी ये किसकी बोटी की बात हो रही थी? ऑन की? आपने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। इकबाल की सलाह के बगैर हम ब्याह कर सकते हैं तो फिर क्या बातें हो रही थी? और भला
कुछ नहीं ना भाभी, मैं और भाभी सोच रहे थे कि जोड़ा कैसा बनवाए, बस भाभी ने कहा कि साड़ी पहनाएंगे। हाय अल्लाह, इधर तो जोड़े की भी बात तय हो गई है, देख रहे हैं मेरी बेकदरी। शबाना कैसी बातें कर रही हो? ये जोड़े की बात हो रही थी, अब बिजली ने खंभे क्यों फुआना है? हमने तो अब तक ऊन की वोटी देखने के लिए कदम नहीं बाहर कढ़या। लो जी, अब हम लोग जो आ गए हैं, कल से तलाश शुरू। सही है, बिल्कुल, कुओं में बांस चलवा देंगे। ये कुएं में से तो सिर्फ फूली लाशें नहीं निकलेंगी। मेरा कहने का ये मकसद था कि चिराग लेकर ढूंढेंगे बहू को। बोलो जी, वो तो अगर गांव तकिए पर रोकेट का गुलाब चढ़ा दें चिराग लेके, तो वो भी वोटी लगेगा है। मां, बस यहां मेरा पुत्र। अच्छा,